हेलो फ्रेंड्स, पीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम मेंसुरेशन के एक्सरसाइज 13.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर वन, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब कभी भी पिघलाकर की बात आ जाए तो फ्रेंड देखिए, जो गोल किसी भी चीज़ को अगर पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो आयतन सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ का 1 लीटर दूध ले रहे हैं, अब उसको बॉटल में डालिए चाहे किसी भी चीज़ में डालिए तो शेप उसका बदल जाएगा। वही तो पिघलाकर अगर किसी चीज़ को डालते हैं तो शेप केवल बदल जाएगा, लेकिन 1 लीटर ही दूध रहेगा ना। आप बॉटल में रखिए या किसी भी चीज़ में रखिए, किसी भी साइज की चीज़ में, तो ऐसी ही बात है फ्रेंड्स। अगर किसी भी चीज़ को पिघलाकर ढाला जाता है तो आयतन सेम होगा चाहे कुछ भी बने। तो इसी पे बेस्ड जो इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन हैं इसी पे बेस्ड हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। देखिए, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोला है फ्रेंड्स, उसकी त्रिज्या कितना हुआ है, यह धातु का गोला है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है फ्रेंड्स 4.2 सेंटीमीटर। ये क्या है फ्रेंड्स, इसकी त्रिज्या है। पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, एक बेलन बना रहे हैं हम जिसकी जो त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के बेलन बना रही है और उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई हमको निकालना है, ऊंचाई नहीं पता है। दोनों का आयतन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सेम हो जाएगा। सबसे मेन बात यही है कि क्वेश्चन में हमेशा आयतन को सेम कर देंगे। आयतन देखिए, इसको पिघला कर इस तरह का बनाया जा रहा है जिसका आधार का हमको क्या निकालना है, त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है। तो चलिए आयतन देखिए क्या हो जाएगा, इसमें जो गोले का आयतन हो जाएगा, गोले का आयतन इज इक्वल टू जो यहाँ पे बेलन बना है, बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4/3 πr³। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, त्रिज्या कितना है 4.2, 4.2 का क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे बेलन का आयतन क्या होता है, πr² आर कितना है, रेडियस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, πr² × h। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4/3 गुड़े 4.2 3/6². अब जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा आंसर आएगा 2.744 सेंटीमीटर। हमारा आंसर इतना आएगा, ऊंचाई का वैल्यू कितना आएगा, 2.744 सेंटीमीटर, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा इसकी ऊंचाई। क्वेश्चन बहुत ही आसान था फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जो गोले हैं 3 गोले हैं, एक की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या कितनी है फ्रेंड्स 8 सेंटीमीटर और तीसरे की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर क्या किया जा रहा है, ये 3 गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जा रहा है जिसकी त्रिज्या कितनी है आर, हम मान ले रहे हैं इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए अब निकालते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 गोले हैं, एक गोला मान लीजिए इस तरह का है, इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, दूसरा गोला थोड़ा सा बड़ा है, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर और तीसरा गोला और भी बड़ा है, ऐसे देखिए और भी बड़ा है, इसकी त्रिज्या कितनी है फ्रेंड 10 सेंटीमीटर। तीनों को पिघला देंगे और एक बड़ा गोला बनाएंगे तो इस तरह का कोई गोला बन जाएगा, इसकी त्रिज्या कितनी है फ्रेंड्स मान लीजिए आर है, यही हमको निकालना है। ये तो कन्फर्म है, इन सब के त्रिज्या से इसकी बड़ी त्रिज्या आएगी। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। अब क्या करेंगे, इन तीनों को पिघलाएंगे तो कुछ हमको आयतन मिलेगा, उतने ही आयतन का एक बड़ा गोला बनेगा, मतलब तीनों का जो आयतन का योग होगा इसके आयतन के बराबर होगा। तो चलिए यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसका आयतन कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4/3 πr। देखिए 4/3 πr³ क्यों होता है, यानी 6 क्यू, प्लस इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 πr³, प्लस इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 πr⁻³। अब ये तीनों का योग, तीनों का आयतन किसके बराबर है, इसका आयतन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4/3 πr, इसकी त्रिज्या मान लीजिए कितनी है r है, अब हमको r की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए 4/3 4/3 4/3 और πr सब में कॉमन है, तो यहाँ से हम 4/3 πr कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना 6 क्यू प्लस यहाँ पे 8 क्यू,
प्लस 10 क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई यहाँ पे आर क्यू। अब देखिए 4/3 पाई यहाँ पर भी है, 4/3 पाई यहाँ पे है, सब कैंसिल हो गया, बचा कितना आर क्यू। आर क्यू इज इक्वल टू 6 का क्यों करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, 8 का क्यों करेंगे तो 512 आ जाएगा, 10 का क्यों करेंगे तो 1000 आ जाएगा फ्रेंड। अब सबको जोड़ देंगे तो 1728 आएगा फ्रेंड, जब आप जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। कैसे देखिए 0 2 6 8 हो जाएगा, 1 1 2 5 2 7 और एक यहाँ से 1728। आर क्यू इक्वल टू 1728, आर इज इक्वल टू क्या, इसका घनमूल निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे क्यूब रूट 1728 का घनमूल, यही उसका साइन होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 आ जाता है। अब इसका घनमूल कितना होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा 12 सेंटीमीटर। तो जो नया वाला गोला आया है आर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है। व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 7 मीटर वाला जो व्यास दिया हुआ है, व्यास को क्या कहते हैं डायमीटर। डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स 7 मीटर, और कह रहा है 20 सेंटीमीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। जो कुएं की गहराई है, चलिए बना लेते हैं, पहले कुआं ही बना लेते हैं। चलिए यह कोई कुआं है, कुआं इसी आकार का होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब भूमि है, यहाँ पे क्या है जमीन है, सब जमीन है, इसके अंदर कुआं बनाया गया है। जो कुएं का व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 7 मीटर फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स 7 मीटर। देखिए फिगर में हम बना दिए 7 मीटर डिस्टेंस है, 20 मीटर गहरा है ये कुआं, कितना मीटर गहरा है फ्रेंड्स 20 मीटर, कितना गहरा है 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी गहराई इसकी है कितनी है 20 मीटर है। देखिए फ्रेंड्स 20 मीटर गहरा है कुआं है, खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर, अब यहाँ से मान लीजिए फ्रेंड्स अगर जमीन में हम कुआं खोदेंगे तो कुछ मिट्टी निकलेगी। अब देखिए कुएं में से हम जो मिट्टी निकाल रहे हैं उस मिट्टी को क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स समान रूप से फैलाकर 12 मीटर × 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। कोई चबूतरा चार कोण का ऐसे कोई सिस्टम चीज बना रहे हैं जिसकी लंबाई कितनी है 22 मीटर और 14 मीटर, जिसकी लंबाई है फ्रेंड्स 22 मीटर और चौड़ाई कितनी है 14 मीटर, इस तरह का चबूतरा बना रहे हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह का कोई खेत है मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल इतना हो जाएगा और इसी पे हम मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालेंगे तो फ्रेंड्स क्या बढ़ेगी, इसकी ऊंचाई बढ़ने लगेगी, ऊंचाई बढ़ने लगेगी। अब जब मिट्टी डालेंगे क्षेत्रफल की ऊंचाई बढ़ती है तो आयतन में कन्वर्ट हो जाता है, 2D से 3D में कन्वर्ट हो गया। अब क्या पूछ रहा है, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे उसकी ऊंचाई बढ़ रही है वो ऊंचाई मान लीजिए h है, इसी ऊंचाई को हमको निकालना है। तो अब ध्यान से समझिए फ्रेंड, जब कुआं खनेंगे तो जितनी मिट्टी निकालेंगे वही तो मिट्टी यहाँ पे रखा गया है, यानी निकाले गए मिट्टी का जो आयतन होगा वह इस चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। तो चलिए यही कंसेप्ट लगाते हैं, इसके आयतन को इसके आयतन के बराबर रख देते हैं, तुरंत हमको ऊंचाई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए देखते हैं अब इसका कुएं का आयतन क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए ध्यान से कुएं का आयतन क्या हो जाएगा, सिलेंडर का शेप का है, सिलेंडर के शेप का आयतन क्या होता है आधार का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए और ऊंचाई से गुणा कर लीजिए। आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो देखिए फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर, इसकी डायमीटर यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी 7/2, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर, तो पाई आर स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर इंटू यच, इसकी ऊंचाई कितनी है 20, और ये टोटल आयतन किसके बराबर होगा, ये जो चबूतरा बना है इसके आयतन के बराबर। तो चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी 22 × 14 × h, अब यहाँ से आपकी यच की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पाई का मान क्या लिख सकते हैं 22/7 × 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × 20 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड 22 × 14 × h। तो चलिए फ्रेंड्स 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 = 49, चलिए फ्रेंड्स 7 से 7 × 14 = 2 × 2 = 10 × 10^20, यानी टोटल आपको कितना बचा 10/4, h का वैल्यू कितना बचा h बराबर आ गया फ्रेंड 10/4। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं h बराबर कितना आ जाएगा 10/4, तो अब 4 से भाग दीजिए 10 में, 4 × 8 = 2.05 × 20 = 2.5 मीटर, तो इसकी जो ऊंचाई कितनी आएगी फ्रेंड्स 2.5 मीटर, माने जो चबूतरा इस तरह का बनाया जाएगा उसकी ऊंचाई जो मिट्टी की ऊंचाई आएगी 2.5 मीटर तक आएगी, यही हमारा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं और इसको बढ़िया से समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। व्यास 3 मीटर का एक कुआं, कोई कुआं है उसका व्यास कितना है, 3 मीटर का है, 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। सेम टू सेम वही कंसेप्ट यूज हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स। एक कुआं है जिसका व्यास कितना है, व्यास 3 मीटर है, और इस कुएं को कितनी गहराई तक खोदा जा रहा है फ्रेंड्स, 14 मीटर। कितनी गहराई तक, 14 मीटर गहराई तक कुएं को खोदा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं 14 मीटर गहराई तक। 3 मीटर का कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी के कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यह क्या हो गया, जमीन के अंदर खोदा गया है। क्या खोदा गया, कुआं। यहाँ पे ध्यान से समझिए, कुआं खोदिए। अब कुएं के चारों ओर कह रहा है कि 14 मीटर गहराई 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए। अब यहाँ से कुआं है, जैसे मान लीजिए ऊपर से देखेंगे तो कुआं को इस तरह से नजर आएगा फ्रेंड्स, जिसकी डायमीटर कितना है, 3 मीटर है। डायमीटर मतलब इसका व्यास 3 मीटर है। अब कुएं के चारों ओर क्या कर रहे हैं, हम एक सड़क बना रहे हैं या रिंग बना रहे हैं, वलय बना रहे हैं इस तरह का, 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार, जो इसकी चौड़ाई है कितनी है फ्रेंड्स, 4 मीटर। 4 मीटर चौड़ी एक, जैसे इस कुएं के चारों ओर अब क्या कर रहे हैं, 4 मीटर चौड़ी इस तरह की एक वलय बना दे रहे हैं, और 4 मीटर चौड़ी एक वलय बनाते हैं, समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है इस बांध की ऊंचाई। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 4 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाते हैं, अब इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, ऊंचाई होगी। ऐसे देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ से कुछ ना कुछ ऊंचाई ऐसे निकल जाएगी इस तरह का, मतलब कुएं के चारों ओर ऐसे बनाया जाता है, आप लोग गांव में देखे होंगे उसी तरह से बनाया जा रहा है। अब इसकी कितनी ऊंचाई तक जाएगी, जो इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो कुएं से निकला गया मिट्टी है उसका जो आयतन क्या होगा, इस चबूतरे के आयतन के बराबर होगा, मतलब ये जो वलय बनाया गया है इसके आयतन के बराबर होगा। दोनों को आयतन को हम सेम कर देंगे, सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अब इसका आयतन देखते हैं कितना होगा, जो कुआं खोदा गया है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखिए 22/7 गुणे इसकी त्रिज्या कितनी है, डायमीटर है 3 मीटर, तो यानी 3/2 त्रिज्या हो गया। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ऊंचाई कितना है, 14। अब देखिए इतना आयतन है, ये आयतन किसके बराबर होगा फ्रेंड, ध्यान से देखिए, ये आयतन बराबर होगा ये जो चबूतरा बना है इसका आयतन। तो किसी भी चीज का, मैंने आपको बताया था जब बेसिक बताया था तो उसमें बताया था किसी भी चीज का आयतन ज्ञात करना है, चाहे वो किसी टाइप का हो, इस टाइप का हो, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा किसी भी टाइप का हो। लेकिन क्या होना चाहिए, जितना इसका बेस यहाँ पे है उतना ही ऊपर भी होना चाहिए, मतलब मोटाई इसकी बदलनी नहीं चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यह भी तो उसी मॉडल का दिख रहा है, देखिए इसी टाइप का है, हालो सिलेंडर है फ्रेंड्स, हालो सिलेंडर जिसको बोलते हैं, खोखला बेलन इस मॉडल का है। अब देखिए 4 मीटर इसकी चौड़ाई है, तो चलिए देखते हैं अब इसका आयतन कैसे निकालेंगे। इसका आयतन क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, ये जो गोल वाला पार्ट है, गोल वाले पार्ट का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब गोल वाले पार्ट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखते हैं बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, अब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक होगी फ्रेंड्स ना, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 3/2। देखिए इस छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है, 3/2, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 4। यानी बड़े वाले की त्रिज्या देखिए यहाँ पे यहाँ तक है कितना, 3/2, और यहाँ से इसकी चौड़ाई कितनी है, 4। तो बड़े वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4+3/2 त्रिज्या, बड़े वाले की त्रिज्या हो गई। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, बड़े वाले की त्रिज्या का स्क्वायर, माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल। छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है, 3/2, पाई इंटू 3/2 का स्क्वायर। अब क्या निकल गया, इसका गोलाकार पार्ट का जो रिंग का पार्ट है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो आयतन बन जाएगा। चलिए मान लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, यहाँ जो निकाले हैं इसकी ऊंचाई हम मान ले रहे हैं h है। अब इसी को हम सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए 7 × 14, यहाँ से हो गया 22 गुड़े 3 × 3 9/2 × 4 2 = यहाँ से देखिए दोनों में पाई आपको कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन ले लीजिए, बचा कितना, 4 × 8 = 3 11/2, यानी 4 में 3/2 जोड़ेंगे तो 11/2 का स्क्वायर, माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ से हो गया 22 × 9/4 × 2 × पाई के जहाँ पे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 22/7। अब 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 121, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4,
तीन में तीन का मल्टीप्लाई करेंगे नौ, दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स चार। अब इंटू यच, यहाँ पे देखिए इंटू यच इंटू यच, अब ध्यान से इसको समझ लीजिए, बाईस से बाईस हो गया कैंसिल। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे नौ दुनी अट्ठारह, क्या हो जाएगा नौ दुनी, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, नौ दुनी अट्ठारह बटे चार इज इक्वल टू, यहाँ पे है एक बटे सात गुड़े, देखिए दोनों के नीचे चार है, चार कॉमन ले लेते हैं एक बटे चार, कोष्टक में कितना बचेगा, एक सौ इक्कीस में से नौ घटा देंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, ग्यारह में से नौ घटेगा तो दो, इसके पास एक सौ बारह, एक सौ बारह बचेगा गुड़े यच। अब देखिए यहाँ से चार कैंसिल, अब यहाँ से कितना हो जाएगा अट्ठारह गुड़े सात इज इक्वल टू एक सौ बारह यच, तो यच इज इक्वल टू कितना, चलिए फ्रेंड्स देखिए अब यच की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा अट्ठारह गुड़े सात बटे एक सौ बारह। अब सात से इसको काट दीजिए, देखिए सात एक अन्य सात, चार दो सात छके बयालीस, अब दो से एक कट जाएगा, दो अठे सोलह और दो नवाई अट्ठारह, तो यच इज इक्वल टू क्या आ गया फ्रेंड्स नाइन बाई एट। अब जब नाइन बाई एट को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा आठ एक अन्य आठ, दशमलव एक के आगे जीरो, आठ एक अन्य आठ कितना हो जाएगा दो जीरो आठ दूनी सोलह, चार जीरो आठ पच्चीस चालीस, यानी एक दशमलव एक दो पाँच मीटर। तो जो हम यहाँ पे चबूतरा बनाएंगे या जो रिंग बनाएंगे उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स एक दशमलव एक दो पाँच मीटर आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा, अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या करा है, बीमाऊ पाँच दशमलव पाँच सेंटीमीटर गुड़े दस सेंटीमीटर गुड़े तीन दशमलव पाँच सेंटीमीटर एक घनाव बनाने के लिए एक दशमलव पाँच सात पाँच सेंटीमीटर व्यास और दो एमएम मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो चलिए फिर देखते हैं, एक घनाव बनाना है, घनाव चलिए हम घनाव बना के देख लेते हैं, ऐसे कोई घनाव है देखिए फ्रेंड्स ये घनाभ है, घनाभ का डायमेंशन दिया हुआ पाँच दशमलव पाँच सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर तीन दशमलव पाँच सेंटीमीटर, मान लीजिए पाँच दशमलव पाँच सेंटीमीटर ले लीजिए, ये वाला दस सेंटीमीटर ले लीजिए और ये वाला तीन दशमलव पाँच सेंटीमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स एक घनाभ है, इस घनाभ को बनाना है किससे, सिक्कों से, सिक्कों से, जिस मान लीजिए कोई सिक्का है, सिक्के का व्यास कितना है, देखिए सिक्के का व्यास है एक दशमलव पाँच सेंटीमीटर, कितना है एक दशमलव सात पाँच, सात पाँच सेंटीमीटर क्या है व्यास है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। अब कह रहा सिक्के का व्यास है तो सिक्के की मोटाई भी होती है फ्रेंड, देखिए ध्यान से ये थ्री डी फिगर में, थ्री डी फिगर में, और इसकी मोटाई कितनी है दो एम एम मोटाई, जो मोटाई है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है दो एम एम है, दो एम एम। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखिए अब क्या करना है हमको, देखिए मान लीजिए इस ऐसा सिक्का हम ले रहे हैं और इस घनाभ को बना रहे हैं तो ऐसे कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी यही क्वेश्चन में पूछा है। तो मान लेंगे हम क्या करेंगे, माना जो यन सिक्के, कितने सिक्के यन सिक्के, यन सिक्के ऐसे लगेंगे, ऐसे कितने सिक्के लगेंगे यन सिक्के लगेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। देखिए यन सिक्कों का आयतन इसके आयतन के बराबर होना चाहिए, अब आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है इसको ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ पे ध्यान दीजिए दो एम एम है, दो एम एम मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो दो एम एम बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा मिमी सेंटी, यानी दशमलव दो सेंटीमीटर, दशमलव दो सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे इसका आयतन निकाल के, यन सिक्कों का आयतन निकाल के इसमें इसके इक्वल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन बराबर होता है लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, चलिए दस गुड़े दस दशमलव सॉरी फ्रेंड दस गुड़े पाँच दशमलव पाँच गुड़े तीन दशमलव पाँच, ये क्या हो गया इसका आयतन हो गया इज इक्वल टू। अब एक सिक्के का आयतन कितना हो जाएगा, देखिए इसका व्यास दिया हुआ है एक दशमलव सात पाँच, तो फ्रेंड व्यास कितना दिया हुआ है एक दशमलव सात पाँच, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी एक दशमलव सात पाँच बटे दो सेंटीमीटर त्रिज्या। और ये सिक्का किस मॉडल का दिखाई दे रहा है आपको, डिस्क के मॉडल का दिखाई दे रहा है, मतलब वृत्त है उसकी कुछ ना कुछ चाहिए, यानी ये छोटा सा सिलेंडर है, बहुत पतला सा सिलेंडर है, तो इसकी जो क्या हो जाएगी इसकी आयतन कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर यानी एक दशमलव सात पाँच बटे दो पाई आर स्क्वायर इंटू यच, इसकी ऊंचाई कितनी है दशमलव दो सेंटीमीटर पाई आर स्क्वायर, ये एक सिक्के का आयतन हो गया, ऐसे कितने सिक्के हैं यन सिक्के हैं, कुल मिला के इतना आयतन होता है। तो चलिए यहाँ से एन की वैल्यू आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, तो अब देखिए कैसे एन की वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे देखिए
इसको लिख लेते हैं फ्रेंड, 5.5 में 10 का गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 55 × 3.5 इज इक्वल टू पाई का मान 22/7 गुणे 1.75 है। अब ये हो जाएगा 1.75 × 1.75 × 2 = 4 × 0.2 × n। तो चलिए फ्रेंड्स इतना हो गया। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, अब n की वैल्यू, n इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 55 × 3.5। अब तिरछा इसका गुणा हो जाएगा 7 × 4/2। अब इसका इधर से भाग हो जाएगा 1.75 × 1.75 × 0.2 और एक कितना बचा है 22 × 22। कैसे किया है फ्रेंड, 55 × 3.5 × 7 × 4 अपन 22 × 0.2 × 1.75 × 1.75। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं, 11 × 2 = 22, 11 × 5 = 55। इतना तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 4 लेकिन यहाँ पे 0.2 है तो 10 बार में कटेगा फ्रेंड, 10 बार में। अब देखिए अब यहाँ से कितना हो जाएगा 5 × 5 × 3.5 × 7 × 1.75 × 1.75। चलिए फ्रेंड्स अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 7 × 2 = 14, 3 × 5 = 35। इतना हो गया। अब देखिए 7 × 5 = 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35। अब देखिए ये भी कट जाएगा 7 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35। चलिए फ्रेंड्स इतना हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 50 × 0.5 / 25 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा फ्रेंड 625 और 4 अंक पे जी है 0.5, तो ऐसे हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 50 × 5 × 0.5 = 0.5। अब देखिए यहाँ पे नीचे ऊपर एक यहाँ पे 4 जीरो बढ़ा देते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, 4 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ का नीचे का 0.5 हट जाएगा, 625 हो जाएगा। अब देखिए 5 25 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 25 × 2 = 50 से हो जाएगा। अब देखिए 2 × 5 = 2 कितना होगा 10, यानी 0.5 है 10 यानी 1 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आने वाला है कितना फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे 1/25। अब 25 से इसको काट दीजिए, 25 × 4 = 104, यहाँ पे 0.004, यानी जो n की वैल्यू है 400। तो सिक्के कितने सिक्के हमको लगेंगे, जो सिक्के लगेंगे कितने सिक्के लगेंगे फ्रेंड्स, सिक्के 400 सिक्के लगेंगे फ्रेंड्स, n की वैल्यू यही है आएगी, यही हमारा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, केवल समझने की बात है। देखिए एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी, क्या कह रहा है, इसका व्यास जो है फ्रेंड्स, जो टंकी का व्यास है वो कितना है 10 मीटर और जो गहराई है इसका 2 मीटर गहरी है। ऐसे कोई टंकी बना हुआ है फ्रेंड्स जिसका व्यास है 10 मीटर है, व्यास यहाँ पे ध्यान से देखिए व्यास 10 मीटर है, गहराई कितनी है 2 मीटर, व्यास 10 मीटर गहराई 2 मीटर टंकी बनी हुई है, आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं नहर जा रही है, नहर यहाँ से पाइप लगा के इसको जोड़ दे रहे हैं, पाइप लगा के जोड़ दिए, नहर में पानी फुल है एकदम भरा हुआ है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप जो इसका डायमीटर है कितना है, पाइप तो इसी तरह का होगा फ्रेंड, देखिए इस तरह का सिलेंडर के मॉडल का होगा, इसका पाइप का जो डायमीटर है कितना है 20 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो पानी की स्पीड है फ्रेंड्स नहर से इस टंकी में आ रही है इसका 3 किलोमीटर पर हावर यानी 3 किलोमीटर पर घंटा स्पीड है। तो क्या कह रहा है, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, तो चलिए देखते हैं कैसे साल होगा। देखिए
यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसका जितना वॉल्यूम है, इसका जितना आयतन है इस टंकी का, इस आयतन के बराबर अगर इसमें पानी आ जाए तो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये भर जाएगी। अब देखिए आयतन के बराबर पानी कैसे आएगा, कितने टाइम में आएगा, वो कैसे हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है, तो हम निकाल लेंगे पहले 1 मिनट में कितना पानी आएगा और उसके बाद क्या कर देंगे। जैसे मान लीजिए, ऐसे देखिए, मान लीजिए हम निकाल दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट में मान लीजिए 10 लीटर अगर पानी आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं, तो मान लीजिए 100 लीटर का कोई टंकी है, मान लीजिए 100 लीटर का टंकी है, तो 100 लीटर की टंकी को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। अरे भाई 1 मिनट में 10 लीटर आ रहा है तो 100 मिनट की टंकी को भरने के लिए क्या करेंगे, 100 लीटर अपन 1 मिनट में कितना पानी आया, 10 लीटर, ध्यान से समझिएगा, यानी 10 मिनट में भर जाएगा। आप भी बता सकते हैं 1 मिनट में 10 लीटर आ रहा है तो 100 लीटर कितने में भरेगा, 10 मिनट में। कैसे पता चला, इसका जो आयतन हम निकाल लिए, जो टंकी है उसका आयतन निकाल लिए और उसमें 1 मिनट में कितना पानी आया उससे भाग दे दिए, तुरंत हमारा आंसर आ गया। तो यही निकालना है, हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, पहले 1 मिनट में चाहे 1 घंटे में, घंटे में निकालेंगे तो आंसर घंटे में आएगा, मिनट में निकालेंगे तो आंसर मिनट में आएगा, सेकेंड में निकालेंगे तो आंसर सेकेंड में आएगा। तो चलिए हम मिनट में निकालते हैं 1 मिनट में कितना पानी आएगा। तो आप ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए यहां से कोई वाल्व लगा, इसको खोल देते, 1 मिनट में कितना पानी आगे तक जाएगा, इसे ध्यान से समझिएगा। यहां से पाइप है, जब पाइप को तुरंत नहर से खोलेंगे तो 1 मिनट में मान लीजिए पानी इतना दूर आया, 1 मिनट में इतना दूर आया, तो इसका जो आयतन होगा वही तो 1 मिनट में पानी, मतलब 1 मिनट में पानी का आयतन होगा। तो मान लीजिए 3 किलोमीटर पर आवर है, तो देखिए स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसको क्या करना है, देखिए सब चीज, देखिए यहाँ पे मीटर मीटर, यहाँ पे है सेंटीमीटर, तो सबको एक में बदलना पड़ेगा फ्रेंड। तो 20 सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लेते हैं, कितना हो जाएगा 0.2 मीटर, कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। अब देखिए किलोमीटर पर आवर है तो 3 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 3000 मीटर। अब 1 घंटा है देखिए पर आवर, 1 घंटा में कितने सेकेंड हो जाएगा, कितने मिनट हो जाएगा, 60 मिनट। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए 6×5=0 कट गया, 6×5=30, यानी 50, यानी 50 मीटर पर मिनट। कितना हो रहा है स्पीड, 50 मीटर पर मिनट। कैसे, 3 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 0×0 कट गया, 6×5=30, यानी 50 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट में कितना मीटर पानी आएगा, यहाँ से पानी खोलें, 1 मीटर में 50 मीटर आ गया, मान लीजिए कितना हो गया 50 मीटर पानी आ गया। अब इसका आयतन निकाल दे रहे हैं तो हमको पता चल जाएगा 1 मीटर में कितना पानी आ रहा है। चलिए निकाल देते हैं, अब देखिए 1 मीटर में, 1 मिनट में 50 मीटर आ रहा है पानी, तो इस 1 मीटर में कितना पानी आ रहा है, इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन कितने में, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है उसका आयतन निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी तो सिलेंडर के आकार का है पाइप भी, तो चलिए देखिए 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच, 1 मिनट में 50 मीटर आ रहा है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 50 मीटर, इसकी त्रिज्या दिया ही हुआ, व्यास दिया हुआ 0.2 मीटर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यह दिया हुआ है व्यास, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास 2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है फ्रेंड्स 50 मीटर, ध्यान से समझिएगा 50 मीटर, 1 मीटर में इतना पानी आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, पाई यहाँ पे 0.2 में 2 का 0.1 का स्क्वायर गुड़े 50, इतना होगा फ्रेंड्स, कितना होगा, इतना पानी आएगा, कितने में, 1 मिनट में। तो देखिए 1 मिनट में इतना, तो टोटल इतना पानी में कितना मिनट लगेगा, इसका आयतन बटे 1 मिनट में पानी का आयतन, तो देख लीजिए समय, जो समय क्या होगा, समय टोटल कितना होगा, देखिए इसका आयतन निकाल देते हैं और 1 मिनट में कितना पानी आया उसी से भाग देते हैं, इसका आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका जो रेडियस है कितना, देखिए डायमीटर 10 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर गुड़े एच, एच का मान 2, पाई आर स्क्वायर एच अपन किसका आयतन हो गया, इस टंकी का आयतन बटे 1 मिनट में कितना पानी जा रहा है, पाई गुड़े 0.1 का स्क्वायर गुड़े 50। चलिए फ्रेंड देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो गए, अब 5×5=25 कितना हो गया 50/0.1 का स्क्वायर गुड़े 50, 50 से 50 कैंसिल बच गया कितना 1/0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0.1 का स्क्वायर 0.01, अब ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
क्यों? नीचे का दशमलव हटाने के लिए, तो ऊपर कितना जाएगा 100 और नीचे कितना हो जाएगा 1, बराबर कितना हो गया 100। किसमें आंसर आएगा देखिए, मिनट में, यहाँ 1 मिनट में पानी निकाले हैं इतना, तो 1 मिनट में कितना मिनट लगेगा टोटल 100 मिनट। देखिए फ्रेंड्स 100 मिनट। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। तो कितना टाइम लगेगा फ्रेंड्स, 100 मिनट लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।